कटिहार पुलिस ने लूट कांड का किया खुलासा, तीन लुटेरे हुए गिरफ्तार। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के टीकापट्टी पुल के समीप बीते वर्ष की शाम एक मधुमक्खी व्यापारी से बंदूक के नोक पर 10,000 रुपया, पल्सर बाइक और मोबाइल छीन लिया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले से जुड़े तीन लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रवि पंडित, कुंदन कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं। तीनों के पास से लूटी गई मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। सदर प्रभारी डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि इन लुटेरों ने बाइक को ओवरटेक कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसे तकनीकी अनुसंधान के क्रम में दबोच लिया गया। फिलहाल तीनों को जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया गया है। 8-10-22 तकरीबन 13 महीने पहले टीकापट्टी पुल है, कुर्सेला थाना अंतर्गत, वहाँ पे एक बाइक सवार व्यवसायी से 10,000 रुपये की लूट हुई थी और साथ में उसका मोबाइल भी छीना गया था। जो बाइक उसकी पास थी, पल्सर बाइक, उसको लूट लिया गया था। स्थानीय थाना प्रभारी और DIO टीम के सहयोग से उस पूरी टीम को मोबाइल और बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीन लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, एक रवि पंडित है, एक कुंदन कुमार है, एक नीरज कुमार है। और रवि पंडित जो है, उसका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 6 बार वो लूटकांड में अभियुक्त रहा है और जेल भी गया है। 1 बार वो चोरी के केस में भी जेल जा चुका है। और अभी नौगछिया रेल थाना कांड संख्या जो 25-6-22 को हुआ था, जिसमें सोना लूट की घटना हुई थी, उसमें भी वो अभियुक्त रहा है। सर, क्या क्या बरामद, क्या क्या हुआ? जो लूटी गई बाइक थी वो बरामद कर ली गई है, और जो मोबाइल जो लूटा गया था वही बरामद किया गया। तीनों भी सर स्थानीय है या कहीं बाहर? तीनों स्थानीय हैं। थैंक यू।